तो मतलब उनको भी कोई ले राइटर ने उनको सिखाया तो मतलब उनको भी कोई ले राइटर ने उनको सिखाया यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था। आपको लता मंगेशकर क्या वॉइस में कंपेयर किया उस वक्त क्या फील हो रहा था क्या कहना चाहेंगे जी क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले क्योंकि जैसे कि सोल पिक्चर तो उन्हीं का वो आवाज़ तो उनकी है तो उनकी आवाज़ से मैंने गाना गाया उनकी आवाज़ मतलब उन आवाज़ जैसे कि वो जिस तरह से गाया उनका उसका गाने जितना भी था पुराना जो मैंने गाया ओल्ड गाना तो सभी तो लता मंगेशकर की है तो मतलब उनको भी कोई ले राइटर ने उनको सिखाया यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था वो तो यहाँ का महाराष्ट्र में है लता जी तो मंगेशकर तो उनको भी बांग्ला में जाके सीखना पड़ा था लेकिन वो उसने उसने कोई मतलब ऐरा गहरा कोई इंसान से नहीं सीखा बल्कि वो वहाँ का हेमंत जी जिसका नाम वो भी एक रेडियो आर्टिस्ट उनके पास से उन्होंने सीखा लता जी ने बंगाली गाना क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था बंगाली गाना फिर भी उनका जो आवाज़ जिसके उसको कखिल कंठ से उसका उपाधि मिला है ना तो उसके हिसाब से उसकी आवाज़ सचमुच खूबी बहुत खूब है जैसे कि हीरो पिक्चर में वो गाना है डुएट गाना डुएट है वो पिक्चर किताबों में लिखा है सॉरी लोगों से सुना है किताबों में लिखा है सबने यही कहा है सबने यही कहा है प्यार करने वाले कभी जलते नहीं हाँ जलते नहीं जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं अच्छा लता मंगेशकर से अगर मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे अच्छा लता मंगेशकर से अगर मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे तो बस मैंने उनका गले का मैंने उनका जो आवाज उसी को हमेशा फॉलो किया उनका तारीफ किया आवाज अच्छा लता मंगेशकर से अगर मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे नहीं नहीं ज़रूर क्यों नहीं आज इतने उनसे तो कौन नहीं मिलना चाहता और हम लोग सब उनसे इंस्पायर्ड हैं और लता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इंस्पायर होकर ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं सारे आर्टिस्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री के मैं नहीं रानू जी नहीं बल्कि सारे आर्टिस्ट वो उनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं तो उनसे मिलवाने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एंड वाई नॉट आई एम श्योर रानू जी के लिए भी अच्छा मोमेंट बड़ा मोमेंट होगा लता जी को मिलना क्या फीलिंग्स होगी उस वक्त अगर मिल चांस मिले तो क्या मैं जो अभी जो मैं इनके साथ जो गाया मैंने जितना भी जो भी तो मुझे नहीं लगता इनके ऊपर और किसी के साथ मुझे और किसी को मैं बोल सकूंगी बहुत हाँ एक ज़माना थी उनको जो जिस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा गाना मैंने तो बोली कि उनका उनका उम्र के हिसाब से मैं उनके पास बहुत ही उम्र से मैं बहुत ही छोटी और जूनियर हूँ तो बस मैंने उनका गले का मैंने उनका जो आवाज़ उसी को हमेशा फॉलो किया उनका तारीफ किया आवाज़ जो कि भगवान ने दिया ज़रूर उनको भी लेकिन मुझे ये नहीं मालूम उनके इतिहास के बारे में उनके उनका जो पर्सनलिटी उनका लाइफ में क्या क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम लेकिन इस बार मैंने सिर्फ उनका आवाज़ हाँ कभी उनका मुंह पे देखा लाइटिंग जब वो गाते समय या फिर
कभी उनका पिक्चर में दिखाया या फिर कैसे पे भी बहुत समय उनका पिक्चर लगा हुआ रहता था, तो वो सब देखी। मगर उमर के हिसाब से वो बहुत ही मुझसे बहुत बढ़िया है। और उनको 90th बर्थडे के लिए हम लोग अपनी दिल से शुभकामनाएं देते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू लता जी, आपका 90th बर्थडे है और आप हजारों साल जिए और इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहें, यही हम कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा सॉन्ग के लिए, फिल्म के लिए। क्या क्या सोचे थे, इतना रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स सोचे थे? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का नंबर वन गाना सेनोरिटा को भी बीट करके पिछले हफ्ते तेरी मेरी कहानी नंबर वन हो गया है। वो आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। इतना प्यार जो आप लोगों ने हैप्पी हार्डी हीर को, तेरी मेरी कहानी को, रानू जी को, मुझको वो दिया है, वो कहीं ना कहीं बस एक आशीर्वाद है आप लोगों का कि ये गाना इस तरह से लोगों को पसंद आया। तो मैं यही कहूँगा कि बस ये एक चमत्कार है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अदरवाइज़ इतने कम समय में इतना बड़ा ग्लोबल हिट तो बहुत मुश्किल से होता है। थैंक यू वेरी मच। आपने कभी सोचा था कि सेलिब्रिटी को बीट करना नामुमकिन सा हो गया था इस तरह के, हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हो चुका है, हम बोल सकते हैं? ये सोचा ही नहीं था कि बस ऐसा लगा कि एक अच्छा गाना, एक अच्छी आवाज़, बस वो दिल से एक आवाज़ आई जब वो सुपरस्टार सिंगर के सेट पे आई कि रानू जी इस आलाप को, इस गाने को बहुत अच्छा गा सकेंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, यही लगा कि बस कहीं ना कहीं ये उस कॉम्पोजिशन के लिए करेक्ट है। उन्हें हमने स्टूडियो पे बुलाया और फिर उसका मेकिंग जैसे ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, वो कहीं कुछ और ही हो गया। तो लोगों ने इतना शेयर किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोग सबका, और इतना प्यार देने के लिए। तो ये सोच के नहीं किया जा सकता। हमने हैप्पी आर डी हीर में एक जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई म्यूज़िक इस फिल्म का पहले रिलीज़ होगा, और आजकल म्यूज़िक रिलीज़ से पहले हिट नहीं होता। पहले ट्रेलर आता है, एक दो गाने आते हैं, और रिलीज़ के बाद फिल्मों का म्यूज़िक या तो चलता है या नहीं चलता। तो हैप्पी आर डी हीर एक प्योर लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं म्यूज़िक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखते वक्त फिल्म को आप कनेक्ट कर पाएंगे जब एक लव स्टोरी के साथ उसका म्यूज़िक, उसके आलाप, उसके जो बैकग्राउंड स्कोर है, उसके गाने के एक एक वर्ड्स हैं, उसे आप कनेक्ट करें, जैसे तेरे नाम में होता था या जैसे दिल है कि मानता नहीं में, साजन में, 90s की फिल्मों में होता था। तो आजकल बहुत कंटेंट आता है, तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक रिलीज़ के बाद होता है लेकिन फ़िल्म को वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। और मेरी ये एज एन एक्टर 10वीं फिल्म है, तो कहीं ना कहीं दिस वॉज माई फर्स्ट लव स्टोरी। तो उस लव स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए मैंने वाशु जी की डॉटर दीपशिखा जी, जो फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं, कुमार जी जो म्यूज़िक कंपनी है, उनको रिक्वेस्ट की कि ये पिक्चर का म्यूज़िक पहले आए और ट्रेलर बाद में आए, ताकि म्यूज़िक रिलीज से पहले ब्लॉकबस्टर हो सके। तो ये एक ऑटोमेटिक तो म्यूज़िक फिल्म को एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी देगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी रॉन्ग भी जा सकती थी कहीं ना कहीं। तो वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि ये अपने आप में जो रिस्क हमने लिया कि म्यूज़िक पहले आएगा फिल्म से, वो इतना बड़ा हिट रिलीज से पहले शायद ही किसी फिल्म का हुआ होगा। पिछली बार आशिकी का हुआ था बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले। तो वो चीज़ जो हुई, और अभी रानू जी के साथ हमने दूसरा गाना किया है आदत, उसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। उसके बाद आशिकी का रिक्रिएशन है, एक टिकटॉक नाम का गाना है जो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। और उसके बाद एक गाना है हमारा, कह रही है नज़दीकियाँ फासले हैं अभी दरमियाँ। तो ये गाने जब बाहर आएंगे, फिर रीमिक्सेस आएंगे, सारे गानों के रीमिक्स वीडियोज़ है, फिर मैशअप आएगा, और उसके बाद जाकर ट्रेलर आएगा जिसमें रिलीज डेट अनाउंस होगी। तो ये ओवरऑल पहले होता था, 3-4 महीने पहले म्यूज़िक आता था और फिर पिक्चर का ट्रेलर आके पिक्चर आती थी। तो ट्रेलर के बाद रिलीज डेट आ जाएगी और उसके बाद हम रिलीज़ कर देंगे। लेकिन म्यूज़िक रिलीज से पहले हिट करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत डिफरेंट थी। आज एक केस स्टडी थी और वो इस कदर रंग ला रही है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है, रानू जी की किस्मत है, एक लोगों का जो आशीर्वाद है और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है, जिन्हें मुझे जिस तरह से मुझे ये स्ट्रैटेजी को
इम्प्लीमेंट करने दिया. एंड आप लोगों का प्यार है कि इसके म्यूज़िक को इतना ग्लोबली हिट बना दिया. अब इस फिल्म को देखने का जो लव स्टोरी का कनेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये फिल्म एज एन एक्टर मेरी वो कोशिश है कि एज एन एक्टर आपको बहुत बड़ा री इन्वेंशन मिले. हिमेश एज एन एक्टर मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर, और मैं वो फ्राइडे की तलाश में हूँ जो हर एक्टर की ज़िंदगी में एक वक्त आता है. मेरी जंजीर या मेरी कबीर सिंह, हैप्पी आर डी हीर हो, ये मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि उतनी मेहनत हुई है, एक री इन्वेंशन है, जो कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है. मेरी 10 फिल्में एज एन एक्टर में 2-3 फिल्में चली है, बट ऑन एज एन एक्टर आई एम एट ग्राउंड जीरो लेवल, एंड इफ आई वॉन्ट टू कम देयर आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, एंड विच वी ट्राइड टू. तो 1:00 PM जब फिल्म रिलीज़ होगी तो आपको एक बहुत नया कनेक्ट मिलेगा इस फिल्म में, एक नया हिमेश मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी मिलेगी जिससे आप कनेक्ट कर सकेंगे. और मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, तो वही प्यार की दास्तान तेरी मेरी कहानी के जरिए, सारे गानों के जरिए हैप्पी आर डी हीर में आपको नजर आएगी. आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या फील हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस लोगों के थ्रू मिल रहा है, इंटरनेशनल सेंसेशन बोला जाता है आपको इंटरनेट का, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बनाया है उनकी, और आपको सिंह की, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया गाना, तभी मैं गा पाई. जो नया गाना उन्होंने सिखाया, नया गाना तो मैं जानती नहीं थी, मगर उन्होंने सिखाया तभी मैं गा सकी. और पहला गाना इन्होंने 3 से 4 घंटे में पहले गा लिया. पहली बार हेडफोन के साथ उनका कनेक्शन बन रहा था तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत करेक्ट, बहुत अच्छा गाया. पर दूसरा गाना आदत जो अभी आ रहा है वो इससे अच्छा है, और मैं आपको कह रहा हूँ वो 2 घंटे में गाया, बहुत तरीके वो आलाप ही दिया. हाँ, आलाप अभी आया है, अब मैं उसका मेकिंग बहुत जल्दी लोगों के सामने लाऊंगा, और फिर वो गाना आएगा आदत, बहुत खूबसूरत गाया है. और आशिकी तो और भी जल्दी हुआ, तो अब उनका पिकअप सेंस एक प्रोफेशनल की तरह हो गया है, और वो ट्रेनिंग लेसन्स भी ले रही हैं. मेरे डैड भी जिन्होंने मुझे सिखाया वो उनको टिप्स देने वाले हैं, और आगे मैं चाहता हूँ बस इनको आगे लेके जाइए, प्यार दीजिए इनको. क्योंकि कोई भी फैमिली में से जब एक आर्टिस्ट, एक टैलेंट बाहर निकलता है तो करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कौन सा दिन कब ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो जाए. सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगा कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम आता है अगर आप बस मेहनत करते रहिए. रानू मैम, क्या कहना चाहेंगे, जब हिमेश का आपके पास ऑफर आया था सॉन्ग करने का, उस वक्त क्या फीलिंग थी, करना है नहीं करना, क्या था माइंड में उस वक्त? मैं उनके साथ गाने के लिए तो मेरी एक शौक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं इट्स माय प्लेजर, इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सौभाग्य है, सौभाग्य क्या बोलते हैं, वो मैंने सोची. मगर उनके ऊपर तो हमारे जो हमें बनाया वो मतलब उनका मेहरबानी, उन्होंने जिस तरह से उनको चलाया, डायरेक्शन किया है, तो उनके ज़रिए ये मुझे मिला, तो इस बात का तो मुझे गर्व है और टैलेंट भी. और वो सब ऊपर वाले का करिश्मा है सचमुच, जो पूरा, जब मैं तेरी मेरी कहानी के लिए हैप्पी आर डी हीर में एक लव स्टोरी के लिए जो गाना ढूंढ रहा था वो कंपोजिशन के तौर पे था, ड्यूएट के तौर पे मैंने गाया था, लेकिन जो आलाप में मुझे एक नई आवाज़ चाहिए थी वो उसी मोमेंट पे जब टाइम हो गया था रिलीज़ का, तब सुपरस्टार सिंगर में मैं जब जज कर रहा हूँ और सामने वो आती है और वो एक प्यार का नगमा गाती है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये करेक्ट है तेरी मेरी कहानी के लिए, और तेरी मेरी कहानी इस लेवल पे नंबर वन हो जाता है कुछ ही दिनों में, ये तो ये बिल्कुल सिर्फ चमत्कार है, ये हमने कुछ नहीं किया. बहुत बहुत ही पावरफुल मीडियम है सोशल मीडिया, बहुत ही यू नो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर सकता है, बस आपकी नियत सही होनी चाहिए, नियत में बरकत है मैं ये हमेशा मानता हूँ. तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों का योगदान है जिन्होंने ग्लोबली एक ही साथ में कुछ ही घंटों में इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ. आतिंद्र चक्रवर्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रेलवे स्टेशन की बात जब करते हैं तो उनकी उन्होंने अगर वीडियो ना करने का इरादा रखते तो शायद ये भी शायद की बात है, ये नहीं हो सकता था शायद, क्योंकि मैं बॉम्बे आने के लिए
मैं प्लेन में आई तो मैं अगर मुझे आने का जो दिल था या फिर मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी तभी ना सही, लेकिन कभी ना कभी मैं बॉम्बे में आऊँगी। बॉम्बे में तो रह चुकी हूँ मगर फिर भी जबकि मैं एक सिंगर की हैसियत से मैं आना चाहा तब मैं सोचने लगी थी मैं आऊँगी, लेकिन कब आऊँगी ये मुझे नहीं पता था। सोनिया मानवी है फिल्म में, किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ रहा? हर्षवर्धन भट्ट मेरे कैरेक्टर का नाम है जो एक गुजराती NRI बिजनेसमैन है, और हरप्रीत सिंह लाम्बा एक सरदार के कैरेक्टर में भी मैं हूँ, तो दो कैरेक्टर्स हैं। डबल रोल है या नहीं वो अभी नहीं बता सकता, लेकिन सोनिया मान हीरोइन है जो एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं और हिंदी फिल्म में पहली बार डेब्यू कर रही हैं, तो उनका कैरेक्टर है, तो हमें एक ठेठ बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलने वाली एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिन्हें हिंदी भी आती हो, तो वो बहुत ही सुंदर एक लव स्टोरी है जो उसमें 9 गाने हैं और वो बिल्कुल पिक्चर के साथ फ्लो करते हैं लेकिन स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, और एक ऐसी कहानी जो हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, उसी प्यार के नाम ये कहानी है। तो आपको हैप्पी हार्डी हीर में वो कहानी नज़र आएगी जो आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, तेरी कहानी है, मेरी कहानी है। आपकी फर्स्ट फिल्म आपका शुरू भी देखा था जो कैप का जो मूवमेंट था स्टार्टिंग जी, उसके बाद में आपने ये लास्ट फिल्म की 2007 में 10-11 साल का ब्रेक लेके ये फिल्म की। नहीं मैंने तो आज बात लगी सर इस फिल्म में की लगा आपको कि नहीं अब मुझे आना चाहिए? नहीं मैंने तो ये मेरी 10वीं फिल्म है, कहीं ना कहीं मैं उसमें एक्सपोज बहुत अच्छी रही और तेरा सुरूर काफ़ी ठीक ठाक रही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज एन एक्टर आई हैव ट्राइड टू ग्रो विथ ईच फिल्म। खिलाड़ी में परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई लेकिन इस फिल्म में एक कंप्लीट एक परफॉर्मेंस एक किरदार आपको सिर्फ हिमेश नहीं बल्कि एक हर्षवर्धन भट्ट एक हरप्रीत सिंह लाम्बा दिखाई देगा और एक ऐसी कहानी दिखाई देगी जो आपके दिलों को छू जाएगी। तो उसमें मुझे लग रहा है कि एज एन एक्टर आई ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल अराउंड मी, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एक लव स्टोरी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है अगर एक अच्छी लव स्टोरी लिखी जाए, सेंसिबिलिटी से शूट की जाए, एस्थेटिक्स करेक्ट हो, फिल्म का लुक और सारी चीज़ें करेक्ट हो, उसके मोमेंट्स करेक्ट हो, परफॉर्मेंसेस करेक्ट हो, तो म्यूज़िक का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। वो जो रिलीज़ से पहले देखने से पहले जब आप म्यूज़िक को कानों में उसका कनेक्ट बना चुके हैं और तब आप वो लव स्टोरी देखते हैं तो वो उसका फ़र्क कुछ अलग ही होता है। वो बहुत टाइम से माहौल नहीं हुआ, जब आप वो मूड बनाकर वो फिल्म देखें तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे हम एक एक्शन फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो हम एक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो म्यूज़िकल फिल्म का गाने कनेक्ट होने बहुत ज़रूरी है टू कनेक्ट विद दैट लव स्टोरी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद हैप्पी हार्डी हीर। ये मौका मुझे मिला कि रिलीज़ से पहले हम लोग ये कर सके वो मैं बहुत खुश हूँ, और गाने आज जो एपिक ब्लॉकबस्टर बन चुके हैं ये इतनी तो उम्मीद नहीं थी, और वो सब आप लोगों ने किया है, थैंक यू। तब लोगों के रिंगटोन्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाते थे जी, सॉन्ग में आ जाते थे, लेकिन रिसेंटली ये नहीं हो रहा था देखा जी, आते थे दो दिन में चेंज होता, लेकिन तेरी मेरी कहानी जी लग रहा है कि अब जहाँ जाए यही गाना बज रहा है जी। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझ पर आप लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत दुआ रही है कि उड़ली चुनरिया से लेकर तेरी चुनरिया दिल ले गई से, दुल्हन हम ले जाएंगे से, हमराज से लेकर, तेरे नाम से लेकर, ऐतराज़ से लेकर, आशिक बनाया, झलक दिखला जा, आपकी कशिश, कितने अरमान, ये तेरा मेरा मिलना, आपका सुरूर, ओ हुजूर, नाम है तेरा तेरा, हुक्का बार, बलमा, लॉन्ग ड्राइव, तेरी मेरी, बॉडीगार्ड का गाना, जुम्मे की रात, खींच मेरी फ़ोटो, तेरा फितूर, सनम तेरी कसम, प्रेम रतन धन पायो, और ऐसे कई गाने इतने हिट हुए आप लोगों के आशीर्वाद से, तो उसके बाद उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल था और वो मेरे लिए एक चैलेंज था। तो मैं अपनी तरफ से बस वही डेडिकेशन से जो अपने पिताजी से सीखा है म्यूज़िक, वो मैंने इसमें हैप्पी हार्डी हीर के गानों में इम्प्लीमेंट किया है, और वो कनेक्टिविटी बन गई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो आप लोगों का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं, कि वो सोलफुल मेलेडी जो एक लव स्टोरी को बयां करती है, जो जो ब्यूटीफुल ट्यून्स हो, बहुत अच्छे लिरिक्स हों, वो सारी चीज़ें हमने इसमें की, और इतनी उम्मीदों से इतने म्यूज़िक हिट होने के बाद उससे ऊपर जाना ग्लोबली इस लेवल पे हिट होना, ये
ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, तो मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने बस अच्छा एक डिवाइन एनर्जी वाला, डिवाइन कनेक्ट वाला, क्योंकि एक प्योर लव स्टोरी की वो जो कनेक्ट होती है वो डिविनिटी से होती है, और वो जेन्यून अटेम्प्ट मुझे इनकी आवाज़ में लगी और वो उस कॉम्पोजिशन में वो ब्लेंड होके लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो मैं और कोई मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बस शुक्रिया अदा के अलावा। इन्होंने जो कहा उनके ऊपर, उन्होंने जो कहा उसके ऊपर तो और मुझे नहीं लगता और कुछ कहने की बाकी रहे, कि जो भी बातें उन्होंने कहा सभी मेरी मन की बातें कहा, क्योंकि मैं भी वही कहना चाहती हूँ जो उन्होंने। थैंक यू। सर साथ में आप सर्द हवा तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। ठीक है सर, बहुत मिला। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। मैं अजय सॉरी मैं लेकिन मैं नमस्ते भी नहीं जान दीजिए मुझे आपके से प्रकाश। फाइनली लास्ट क्वेश्चन सर, हमें ये बता रहा है कि आप दबंग 3 में भी गा रही है कुछ सॉन्ग्स, मुझे इसका कुछ बता सकते हैं? अब तो नहीं पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं मुझे, मैं कैसे कह सकता हूँ। अतिंदर जी अभी वो हमारे जो ये गाने आ रहे हैं वो गा रही हैं। आदत नाम का गाना आने वाला है, आशिकी में तेरी, कह रही है नज़दीकियाँ, बहुत सारे गाने आ रहे हैं और बहुत से लोगों के साथ वो कोलैबोरेट करें या हम दिल से दुआ करते हैं। और अतिंदर जी और तपोंदा उनका काम पूरा हैंडल कर रहे हैं, और बाकी और कोई फिल्म पे कमेंट करना इस वक्त ठीक नहीं होगा, वो डेफिनेटली आप लोगों के सामने जो भी बहुत जल्दी उनके आगे के गाने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फाइनली सर क्या कहना चाहेंगे, हैप्पी हार्डी हीर कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाले हैं, बोल सकते हैं हैप्पी हार्डी एंड हीर बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत दिल से बनी हुई फिल्म है, और उसके अभी और कुछ गाने आने बाकी हैं। अभी आप लोगों ने इतने में ही इतना बड़ा हिट बना दिया, इसके और गाने को भी बहुत आगे लेके जाइए। उसके बाद हम ट्रेलर रिलीज़ करेंगे जिसमें रिलीज़ डेट होगी, और तब हम रिलीज़ डेट अनाउंस करेंगे, तो कब रिलीज़ होगी वो पता ही तब चलेगा जब ट्रेलर आएगा, लेकिन उससे पहले अभी तो बहुत सारे गाने और मैशअप्स एंड रीमिक्सेस आने हैं, तो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट। अरे इस साइड ले लो ना, अगेंस्ट लाइट आया मैडम यहाँ पे, ये कैमरा एकदम सामने मैडम, सामने ये कैमरा। हेलो सामने, आपके लेफ्ट में वो तो भी हो, आपके लेफ्ट में सर भाई।
अरे यार सॉरी तोड़ तो अरे तुम जिगर बन गए चले 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 अरे ए उधर ए आजा उधर भी लिया ना लेना तू मैं कैसे तेरे फ्रेंड अरे अरे लाइट तो है ही नहीं अरे अपोजिट लाइट बंद करो ना चल चल वो साइड मैम के साथ इधर से तो क्लोज क्लोज बैकग्राउंड क्लियर कर दो प्लीज क्लोज ये बैकग्राउंड क्लियर पार्टी है हमारी ये हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं बिफोर वी ओपन द क्वेश्चंस आई थिंक हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी टेल अस अबाउट इट रानू जी वो कलकत्ता का स्टेशन वहां पे बैठ के वो गाना गाना वहां से फिर वो सोशल मीडिया पे फिर एचआर ने आपको ये गाना मतलब कि ये फीलिंग क्या है क्या लग रहा है आपके दिल में क्या चल रहा है सर बताइए Thanks to God. Yeah, because he always saying that's me. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, no? That's why. Because he is great, no? Yani Bhagwan jo hamara hai, wo bahut बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे यानी यीशु जिसका नाम उन्होंने इतना प्यार किया है इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी क्या बात है कम है जी थैंक यू वाओ और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है बहुत मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए हाउ स्वीट इज दैट सुपर एक होती है दुख की आंसू उनके आंखों में खुशी की आंसू है जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ तो ये खुशी की आंसू ये सफर आप लोगों की वजह से हुआ ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना जरूरी है क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ वाह थैंक यू हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए इतना बड़ा बनाइए और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था तब हम आगे आए थे क्या बात है आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है इतना ग्रेटनेस इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे और मुझे हर दुख भुला दिया सब ऊपर वाले ने सच में लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका दी थी तो मैं कभी नहीं गा सकती ये बात लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता दीपशिखा जी मुझे हाँ ही नहीं करती ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता इतने लोगों ने आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया पूरी ऑडियंस आ गई पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया तो मैंने कुछ नहीं किया जो भी किया है
आप लोगों ने किया है, हम सब ने, बस हम सब जरिया हैं. वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार. वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है. एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं और रमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए. आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं. आई विल टॉस इट टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया. आपके जो सवाल हैं, इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, वी विल गेट द माइक टू यू. यस, कैन वी गेट द माइक देयर? ये सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं. ओके, कैन यू कैच द माइक? श्योर. ओके, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं यार. हाय विमेश, फैजान दिस साइड फ्रॉम न्यूज हेल्पलाइन. विमेश ऑन योर लेफ्ट देयर. यप, हियर. ओके उमेश, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपके आपने उनका वीडियो देखा, तो क्या रिएक्शन था सबसे पहले, पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजली जजेस को बताते नहीं हैं बिकॉज वो अदरवाइज यू नो दे हैव टू कैप्चर इट ऑन कैमरा सो इट हैज़ टू बी रियल एंड दे क्रिएट अ वेरी रियल मोमेंट सो दे डिडंट टेल अस. तो उन्होंने सडनली कंटेस्टेंट्स जो बच्चे बहुत ही ग्रेट परफॉर्म कर रहे थे शो में, उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में जेन्युइनली दे वॉन्ट द टैलेंट टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल. तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पर. यप. और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था और मुझे जब मैंने देखा, जब वो सुना है ना, आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड, ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने. तो मुझे लगा, और तेरी मेरी और तीन चार गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी, हमने पहले दो तीन गाने जो रिलीज़ कर दिए थे, तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप. तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है. और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है, क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया. मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया, लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं. 350-400 गाने मैंने बना के रखे. तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था, वो फिल्म नहीं बनी, उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे. तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में सीरियल्स, कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा. तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया, उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए. वो गाने हिट हो गए. तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री आपको देती है. तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग, और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उस टैलेंट को जहाँ पर भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए, ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ और रियलिटी शोज़ में भी करते थे. और जहाँ पर ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए. तो बस वो मैंने वादा कर दिया. अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये बात वायरल हो गई. वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक. म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आडिहिर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है,
बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वॉज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे यू हैव टू टेक हर टू दैट नेक्स्ट लेवल. रानू जी मेरा सवाल आपसे है. रानू जी आपके लेफ्ट में, हेलो आपके लेफ्ट में इधर रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ उनके पास, प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए. और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी, मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है. और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी. और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड के भी आभारी हूँ. और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कि हमें उनका उन्होंने तो मेरे तपन दा हाथ उठाई यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा इनके वजह से, जो हमें हेल्प किया. और अतिंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्र और अतिंद्र को भी, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो किया इसके बारे में, गानों के बारे में, तो उनके वजह से भी ज़रूर. तो इनके लिए मैं आपके सब और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हम आप सब के लिए. जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं. आपकी कहानी जानना चाहते हैं. आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है? या फिर जब आप गा रही थी, आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से ही गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक़, मतलब शौक़ मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जैसे कि फुल मतलब फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचती थी ज़रूर, लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिले या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनकी मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी. इनके साथ तो वो जो रिलीज हुआ ना से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ.
लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाजा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सनू निगम और फिर कुमार सानू, जो जो बड़े बड़े सिंगर है, या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी वो, तो कैसेट से जी रिवाइज कर करके मैंने जिस जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन सुन के सीखी हो। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करते थी, कर करके मैंने गाया, तो सभी गायक गायिका से। तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। ऑन योर लेफ्ट, इनको अगर मैं दो लाइनों में सीमित कर दूं तो बस इतना ही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ना क्योंकि सपने सच होते हैं, सपने सच होने की आज कहानी है, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दिस आफ्टरनून इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर अ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो एक बार माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड एवरीवन हियर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तो जरा मजा आएगा, गर्माहट हो जाएगी, बारिश जोरों पे है, जोश भी जोरों पे होगा तो मजा आएगा। वेलकम, थैंक यू सो मच। हम सबको सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आज पहली बार द सेंसेशनल सिंगर रानू मंडाल जी को आज मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आर हिट मशीन हिमेश रेशम में आएगा, जोरदार तालियां फॉर दिस स्पेशल स्पेशल ओकेजन। हम सबके सब ऑलरेडी पहली डाइस पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मली लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन ऑन द डायस। सबसे पहले ऑफ कोर्स हु डजंट नो हिम, 100 से भी ऊपर ब्लॉकबस्टर गाने, वी कॉल हिम द हिट मशीन, ही इज आवर एचआर हिमेश रेशमिया। साथ ही साथ ऑफ कोर्स लेटेस्ट सेंसेशन, जैसे कि मैंने कहा सपने सच होते हैं, लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस, ये सिर्फ आपकी स्माइल नहीं है, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की स्माइल है आपके चेहरे पे। रानू मंडाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। They say behind every man there's a successful woman there, and behind this special film we have a very special lady who's there, and she's the producer of this film. Ek baar Deepshika ji ke liye zordaar taaliyan ho jaye. And you know, they are the leaders in music. इन्होंने हमें सिखाया है, हमें इन्होंने बताया है कि जब म्यूजिक को कंज्यूम किया जाता है तो कैसे कंज्यूम किया जाता है। फ्रॉम टिप्स इट्स सच अ प्लेजर टू वेलकम कुमार तोरानी जी विद अस ऑन द डाइस। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस। आई विल ब्रिंग द माइक स्ट्रेट टू हिमेश, एंड और डू वी फर्स्ट शो द सॉन्ग, ओके यू वांट टू। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं, और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले, माय वाइफ सोनिया, एंड मेरे ये जो एक, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया, तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर, एक टीचर बनकर, ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई सक्सेस, ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ, और एक मेरी बीवी है सोनिया, जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से। थैंक यू सो मच, ऑफकोर्स ऑल्सो फॉर माई मदर। एंड अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया है जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई,
और फिर हमारे शो पे आई और हमारे उस शो से सुपरस्टार सिंगर से हमने पता नहीं क्या लगा मुझे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई उन्हें डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में, तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो क्लिप बन गया, वो मेकिंग हो गई, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद मैंने दीपशिखा जी से बात की, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कुमार जी से बात की, इज़ द म्यूज़िक कंपनी, एंड इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो रानू जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि बहुत लोगों का हाथ है और सबसे ज़्यादा हमारी जनता का, उन्होंने इतना प्यार दिया है आपको। बस आज मैं इस पूरी ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट इनको और आगे लेके जाइए, आप इनसे और काम करवाइए, बहुत ज़्यादा ये स्टेज पे परफॉर्म अच्छा करेंगी, बहुत बहुत सुरीला गाती है, हम इनसे हमारा नेक्स्ट गाना भी आशिकी में तेरी, जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, जो कुमार जी के लिए पहले भी किया था जब चाइना टाउन में, तो वो गाना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम आदत नाम का गाना भी इनसे गवा चुके हैं और एक गाना भी, तो आपको पता चलेगा कि उनकी आवाज़ में जो वर्सिटैलिटी है, तो उस वर्सिटैलिटी को हमने जितना हो सके वी हैव ट्राइड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये तपोंदा है, तपोंदा ने बहुत बड़ा योगदान है रानू जी की करियर में इनका, तो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, बिकॉज ये लब ना होते तो आज एक सेंसेशनल जो सिंगर हमें मिला है वो हमें नहीं मिलता। और मुझे ऑलवेज़ ये लगता है कि टैलेंट को आगे लेके जाना चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा सलीम अंकल कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है, तो हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये बस उनकी आवाज़ में वो कशिश थी और हमने वो किया, और आप लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है, हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग आर टीम, एंड थैंक यू एवरीबडी, कुमार जी और दीपशिखा जी, वाशु जी, एंड यू नो एवरी टीम मेम्बर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस पूरी जर्नी में, एंड अभी तक म्यूज़िक यू नो यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है, बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीपशिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, एंड दैट्स वाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की। अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है, तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज़ से पहले, आजकल के ज़माने में जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता, yes. वो हुआ है, और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज़ से पहले बहुत अच्छी बात है, और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं और आपको 31 दिसंबर पे सारे गाने के साथ आपके पार्टी कराएंगे उसके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एंड एचआर, यू नो हमें बहुत सी बातें करनी है अबाउट को हीरे का, yes, हीरे दिखा देते हैं जिससे एक फिल्म की आपको फील मिलेगी, और उसके बाद इस गाने का इंतजार जो आप कर रहे हैं, जो आज लॉन्च हो रहा है, एंड इट्स द लॉन्च ऑफ अ सेंसेशनल सिंगर टुडे, एंड हमने पूरी कोशिश की है। आप ये दोनों गाने देखिए, पहला गाना अरिजीत और श्रेया ने गाया है, जो हमारी फिल्म की एक, आपको जो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है इस वक्त सब जगह पे, आप देखिए वो गाना, और दूसरा गाना आपको जो हमारा लॉन्चिंग गाना है, आज हम दो गाने दिखाते हैं, उसके बाद हम विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, सो ऑल अप टू यू, कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज, द सॉन्ग व्हिच इज मेकिंग रेडियो वेव्स, यस ऑफ कोर्स। Can we have the panel back, please? I think जब हम सबके सब इस गाने को देख रहे थे, कहीं ना कहीं आंखें भी नम थी, चेहरे पे एक मुस्कान भी थी, because we know the कहानी behind this song. मैं सबसे पहले, before I open questions from the hit machine हिमेश और सामने the best of media, क्या feeling है इस वक्त दिल में आपके, क्या चल रहा है, please बताइए। राजेंद्र, अच्छा एक मिनट, okay, पहले light कर लेते हैं, एक मिनट।
Is this good? Okay, we'll wait for the light, because then Manada will not get the footage right. यही वाला जो लाइट था ना जो ऑफ किया था इधर ये जो कॉर्नर्स में है इमेज भाई यहाँ पे एक मिनट एक साथ मैडम मैडम के साथ अरे इस साइड ले लो ना अगेंस्ट लाइट आया मैडम यहाँ पे ये क्या मरा इमेज भाई सामने एकदम सामने मैडम सामने ये क्या मरा हेलो सामने लेफ्ट में आपके लेफ्ट में बोथ ऑफ यू हियर आपके लेफ्ट में सर इमेज भाई कॉर्नर में अरे भाई कॉर्नर लेना भाई लेना अरे यार सॉरी अरे तुम्हें इकड़े बन गए थे ना इकड़े चले अरे आजा उधर भी लिया ना लेना तू मैं कैसे तेरे पे अरे लाइट तो है ही नहीं अरे अपोजिट लाइट बंद करो ना चल चल वो साइड मैम के साथ इधर से दो बैकग्राउंड क्लियर कर दो प्लीज क्लोज पार्टी है ना वहाँ की थैंक यू